नमस्ते, लाइव में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम गांधी की बात करेंगे और आज हमारे साथ डॉक्टर कनु भाई कलसारिया हैं। इनके कई रिश्ते हैं गांधी से, एक रिश्ता तो ये है कि गुजरात से हैं। डॉक्टर कनु भाई कलसारिया मूल रूप से बाय क्वालिफिकेशन सर्जन हैं, लेकिन इनका सारा आंदोलन, इनका सारा कुछ काम अब सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसानों के बीच काम करते हैं। हालांकि 3 बार MLA रहे हैं और बीजेपी से MLA थे, फिर उन्होंने बीजेपी के MLA रहते ही हुए निर्मा ने जब कुछ एक जमीन का अधिग्रहण किया था उसके अगेंस्ट एक बड़ा आंदोलन चलाया और किसानों की जो बदहाली थी उसको नेतृत्व किया, और उस आंदोलन में फिर जो पर्यावरण के जो भी वो थे वो निर्मा से फिर वापस लिए गए और वो एक सफल आंदोलन था। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने दर्शकों को भी थोड़ा एक जगह बताना चाहूंगा। पहली चीज कि जब मैं आपको ये जब आपसे बात करने की बात हुई तो मुझे हरदम बारडोली की याद आ गई बात, क्योंकि देश का पहला सत्याग्रह, पहला सिविल नाफरमानी जो सरदार पटेल ने जिसको शुरू किया था हिंदुस्तान में 1930 से पहले, और वो भी किसानों की बदहाली को लेकर शुरू किया था। लोगों को कुछ एक मैं जनरल अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जब गुजरात में एक भयंकर आपदा आई थी 1925-26 में, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे और तब ये सारे किसानों ने मिलकर ये तय किया था कि हम लोग सरदार पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन करेंगे। सरदार पटेल गांधी के पास गए थे और सरदार पटेल ने उन आंदोलनकारियों से, किसानों से एक ही बात रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये टोटल अहिंसा रहेगी, हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम मना करेंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, और वो एक सफल आंदोलन हुआ। और मैं कुछ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे गुलाम भारत में लोगों की, मतलब जो उस समय के लोग थे उनकी जरा आप वो देख लीजिए कि धैर्य, उनके कमिटमेंट देख लीजिए कि इन किसानों के मवेशियों को लेके लोग ऑक्शन करने की कोशिश करते थे, और पूरे गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने किसानों के उन मवेशियों को नीलामी में खरीदा हो। लोग इसके विरोध में थे, जनमानस उनके साथ था। कुछ लोगों ने जब इनके जमीन अमीन को ले लिए और सरकार उसको नीलाम करती थी, कुछ बंबई के कुछ व्यवसायियों ने आके वो खरीद लेते, लेकिन वो भी इन्हें गिने थे। बाद में जब आंदोलन सफल हो गया तो सबके सब किसानों की जमीन वापस हुई थी। मैं ये इस बैकग्राउंड के साथ आपसे पूछ रहा था डॉक्टर साहब कि आपने भी उसी तरह से किसानों का एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपको क्या समानता लगती है उस बारडोली के और आपके आंदोलन में, थोड़ा इसमें बताइए, और आपका आंदोलन क्या था थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक बात तो बहुत स्पष्ट क्लियर है कि उसी वक्त भारत, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, और हमारा ये जब किसानों का आंदोलन चला तो हम आजाद थे, हमारी सरकार थी, और मैं खुद ये टेरिटरी का, ये विस्तार का MLA, तीसरी बार का MLA था, और फिर भी जब मेरी बात सुनी नहीं गई, बार बार मैंने ऐसे मेरी बात बताई, लिख के भी बताई, पर्सनल मिलके भी बताई, मीडिया में भी बात गई, फिर भी सरकार ने सुनी अनसुनी की। नरेंद्र मोदी जी हमारे CM थे, उसने भी उसके ऊपर ऐसे निग्लेक्ट ही किया, देख लेंगे वैसा बोलते थे, मगर कोई उस कोई न्याय देने की उसकी अंदर की वो बिल्कुल नहीं थी, और छोड़ देने के लिए छोटे मोटे दूसरे जो कैटेगरी के लीडर्स होते उनको बोलते थे, वो मेरे साथ मीटिंग करते थे, समझाने की कोशिश करते थे। फिर मुझे लगा कि एक सच बात के लेकर जब मैं चल रहा हूं, और ये इतनी सच बात है, किसानों को बचाने की बात है, उसकी जमीन को बचाने की बात है, उसकी जमीन के लिए जो इरिगेशन होने वाला है, बड़ा एक जलाशय है, रिजर्वॉयर, जो सरकार ने ही बनाया था, मेरे एफर्ट से बना था, ये सभी को खत्म करने की बात है, किसानों की जमीन उसकी खुदाई हो जाने वाली, और जिस जमीन को 3-3 पाक लेने वाले हैं, ले रहे हैं आज भी,
जिसके लिए पानी सरकार की ऐसे ही सरकार ने बनाया था मेरे एफर्ट से, वो पानी के ये तालाब के अंदर सरकार ने इजाजत दे दी निर्मा कंपनी को ऐसे सीमेंट का कारखाना बनाने की। ये बहुत सोचने के बाद भी मुझे ऐसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचा कि मेरा जो भी है मेरी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाए तो भी ये पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है, अगर किसान बच जाए तो मैं पॉलिटिक्स कायम के लिए भी छोड़ दूं। जब उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना तो बहुत सी हमारी मीटिंगें हुई और फिर आगे आगे हम हाईकोर्ट में भी केस चलाया। एक ओर से हाईकोर्ट में केस चलता था, गांव गांव में कुल मिला के 13-14 गांव इसमें जुड़े हुए थे, सब किसान ऐसे महिलाएं और पुरुष सब लोग अपने घर बार सब छोड़ के हमारी मीटिंग में हमारी यात्राओं में चले आ रहे थे। और फिर भी हाईकोर्ट ने भी हमारी बात सुनी मगर हमको जस्टिस नहीं मिला, ऐसा हमको लगा जस्टिस नहीं मिला। किसानों को ऐसे बोला गया कि भाई ये तो होगा, आपकी जमीन है तो फिर ये कारखाना बनेगा और जमीन के लिए जो है मुआवजा वो ये वो हो। तो फिर हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इसके बाद में हमारी पदयात्रा हुई, एक बड़ी कहानी है। इसके बाद में हमारी साइकिल यात्रा भी हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट से हमको जस्टिस मिला और बहुत ज्यादा ऐसे खड़ा कर दिया था निर्मा ने अपना कारखाना, फिर भी वो बंद करवाया गया और निर्मा को वहां से जाना पड़ा। तो ऐसी ये स्टोरी है किसानों को बचाने के लिए। तो इसमें कंपेयर करें जाए तो यहाँ जो हमने किसानों ने साथ दिया, गरीब किसानों, उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, जो भी हो जाए घर में खाने का पूरा हो या ना हो, मगर अपनी जीवादोरी बचाने के लिए रात और दिन हमारे साथ लगे रहते थे। उसी वक्त सरदार पटेल को किसानों ने जो वचन दिया था कि हम हमारी टैक्स पे नहीं करेंगे और लड़ेंगे और साथ रहेंगे, एक साथ जुटेंगे, इसी तरीके से यहाँ के किसान भी एक साथ जुटे। अगर किसान एक साथ नहीं जुटे इसमें डिवीजन हो जाते तो सफलता नहीं मिलती शायद। इसी तरीके से हमारी ये आंदोलन बड़ा सफल आंदोलन रहा और आज भी हम जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, आज भी दूसरा एक हिस्सा है, ये जो निर्मा वाला हिस्सा था उसका अब करीब करीब दरिया किनारे का करीब करीब 30 किलोमीटर गिन ले तो बाकी के जो 20 किलोमीटर का हिस्सा है जो दूसरी विधानसभा में आता है, तलाजा की विधानसभा बोलते हैं, मेरा जो 3 बार में एमएलए रहा था वो महुआ की विधानसभा थी। तो ये तलाजा की विधानसभा वाला जो हिस्सा है उसी के अंदर आजकल किसान लड़ रहे हैं, वो अल्ट्राटेक कंपनी का माइनिंग प्रोजेक्ट के सामने लड़ रहे हैं और सरकार यही सरकार है, एक गुजरात की सरकार है जिसने बिना पूछे किसानों की सम्मति लिए बिना उन्हों की जमीन लीज दे दी है अल्ट्राटेक कंपनी को और फिर अल्ट्राटेक कंपनी ने यहाँ के पर्यावरण विभाग ने, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2016 में उसकी जो सुनवाई की पब्लिक हियरिंग किया, इसमें भी 100% लोगों ने, सभी लोगों ने एक आवाज से बोला कि हम हमारी जमीन नहीं देने वाले हैं। फिर भी उसको वहां से ईसी मिल गया और लीज भी यहाँ से मिल गई। तो अभी जो थोड़ा बहुत माइनिंग चल रहा है इसके सामने यहाँ के किसान ऐसे तलाजा और मोवा के किसान लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है, आपको सुन रही है ना मेरी आवाज? जी आवाज आ रही, आवाज आ रही। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आवाज आ रही, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं सुन रही है? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? आपकी आवाज तो मुझे आपकी आवाज बराबर आ रही, आपकी आवाज बराबर आ रही है डॉक्टर साहब।
आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है। अभी आपको देख रहा हूं। हाँ, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज मिली? हेलो। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बराबर है, आप दिख रहे हैं, आप बोलते हैं। हाँ, मुझे आपकी आवाज और आपका वो दोनों वीडियो ऑडियो दोनों ठीक है। आपको मुझे आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी बहुत कम ऐसे दिक्कत हो रही है। अच्छा, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए उसका, जो आपका ऑडियो है तुषार भाई, उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तो आवाज आ जाएगी। तुषार भाई, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अब आवाज आई? आवाज आई डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? अभी अभी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ नजदीक से। नहीं, नहीं, आपकी आवाज मुझे बराबर सुनाई दे रही है। मुझे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी समझ सकता हूँ, सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आगे इसलिए एक प्रश्न इसी से मिलता हुआ प्रश्न है कि किसानों की जो सबसे बड़ी ताकत ये रहती है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं रहता है। और आपने भी जिस दिन ये निर्णय ले लिया कि अब मेरी मेरी विधायकी रहे या ना रहे, मुझे तो किसानों के लिए लड़ना ही है, तो फिर शायद आपके पास भी वो ताकत आ गई कि अब चाहे विधायकी रहे या ना रहे। और इसी संदर्भ में जब उस समय के चीफ मिनिस्टर मोदी जी एक सद्भावना फास्ट कर रहे थे, सद्भावना उपवास कर रहे थे, तो आपने किसानों के पक्ष में एक संवेदना उपवास किया था। थोड़ा उसके बारे में बताएं, वो संवेदना उपवास जो आपका था। देखो कि ये जो उसी वक्त चल रहा था, बड़ा इनजस्टिस हो रहा था, और फिर भी हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने ऐसी चिट्ठी बनाई थी, ऐसी पत्रिका, और ये लोग इतने वो थे, व्याकुल थे कि हम सारी दो जो ये इस ओर है इसी ओर है, दो लोकसभा है, सभी के अंदर ये पत्रिका बेच का वो वितरण करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि ये जो सीएम है नरेंद्र भाई मोदी, तो ऐसा लिखा था इसमें कि जो लालू जी है, लालू प्रसाद यादव जी, वो तो घास चारा खा गए थे, मगर ये तो हमारी जमीन खा गए, ऐसी पत्रिका बनाई। तो मैं तो बीजेपी में ही था और लड़ रहा था, तो मैंने उन लोगों को बोला कि ऐसी तरीके से हम नहीं लड़ेंगे, अंदर बैठ के लड़ेंगे और हमारा जो सीएम है उसका रिस्पेक्ट रख के लड़ेंगे, तो ये पत्रिका को खत्म कर दो और ये जो गलती हुई ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए 2 दिन के उपवास मैंने रखे थे, इसके प्रायश्चित के लिए संवेदना उपवास, 2 दिन सिर्फ पानी पी के उपवास किए थे। और ऐसा थोड़ा सा कि लोग शिस्त में रहे, और मैंने एक कंडीशन रखा था पहले ही आंदोलन शुरू करने से पहले कि देखो ये गांधी जी के प्रिंसिपल पे हमको चलना है, तो हमको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर कोई हमको गाली दे तो हमें गाली नहीं देना है, कोई हमको मार झूड करे या हिंसक बनाने की कोशिश करे तो हमको ये बर्दाश्त करना है। और ये सबने ये स्वीकार किया, और जब तक हमारा आंदोलन चला बहुत सा ऐसा सहकार मिला,
तो इसलिए ये जो छोटे छोटे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, ये किसान लोग थे, ये अपने अपने अपनी जमीन धरती माता के लिए इतने सजग थे कि उनको बचाने के लिए, ये इतनी संवेदना उन लोगों ने भी बताई, मेरी संवेदना के साथ वो लोग भी जुड़े रहे और बहुत सा ऐसी संवेदना, एक सभी की संवेदना एक हुई और हमको वैसे सफलता मिली। डॉक्टर साहब, जब गांधी जी का वो सत्याग्रह आश्रम चल रहा था और फिर ये तय हुआ, गांधी जी ने कहा कि मुझे अब साबरमती आश्रम में शिफ्ट होना है, वही सत्याग्रह आश्रम में वो शिफ्ट हुए जहाँ पे आज साबरमती आश्रम है। तो वो जो साबरमती आश्रम उस समय था, वो जेल और शमशान के बीच में स्थित था, और गांधी जी हरदम कहते थे कि सत्याग्रही को हरदम तैयार रहना चाहिए दो में से एक जगह जाने को, चाहे वो जेल जाए चाहे वो शमशान जाए। आज के परिपेक्ष में क्या आपको लगता है कि हम लोगों के जो सत्याग्रही हैं, क्योंकि आपके साथ तो वो किसान जुटे हुए हैं जो सत्याग्रह करते हैं, अहिंसा का मार्ग वो है, तो क्या वो इतने मोटिवेटेड हैं कि वो जेल या शमशान जाने को तैयार हैं आज के परिपेक्ष में? आज भी ऐसे लोग हैं, मगर उन लोगों को ऐसे मोटिवेट करके तैयार करना होता है। जो गरीब लोग हैं, ये ऐसे कुदरत पे, परमात्मा पे, भगवान पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भरोसे नहीं रखते, नहीं, मगर ये लोग पे गिनती ज्यादा होती है, कैलकुलेटिव माइंड होता है। तो रियली जो किसान है, जिनको हम जगत का तात बोलते हैं, उसका माइंड तो बस ऐसे भगवान के भरोसे से चलता है। तो आज भी ये लोग अपनी जीवादोही बचाने के लिए, अगर ये जो कैलकुलेटिव और जो मॉनिटरी माइंडेड है, जो कुछ पैसे के लालच में आ जाते, वैसे भी किसान नहीं है वैसे भी, मगर ये करीब जो 10-20% ऐसे लोग हैं, उसके हाथ में न आ जाए, उसका हत्था न बन जाए, तो सच्चे लोग डेफिनेटली हमको वो कर सकते हैं, हमको मदद कर सकते हैं, और भगवान के नाम पे ऐसी ताकत से लड़ सकते हैं और ऐसी सफलता मिलती है। हमारी जो सफलता मिली ये ताकत से है, जो बाय हार्ट इन किसानों ने बताई। और आज भी किसानों के जब प्रश्न लेके हम आज भी चल रहे हैं जो अल्ट्राटेक कंपनी के सामने, तो हमको ये एहसास हो रहा है, अभी इतना बड़ा आंदोलन ऐसे बाहर नहीं निकल पाया है, अभी निकला ही नहीं है, उसका समय अभी पक्का नहीं है शायद, मगर इंटरनली उन लोगों ने करीब 2 साल, ऐसे 1.5 साल से ज्यादा हो गया, जब पुलिसों ने यहाँ से मारपीट की थी हमारे किसानों की, और किसी की हड्डियां तोड़ दी थी, किसी का ऐसे खोपड़ी तोड़ दी थी, और ऐसे 92 लोगों के ऊपर ऐसे वो 304 वाली कलम लगा दी थी, 307 वाली कलम लगा दी थी, और आज ये केस भी चल रहा है, और किसानों ने भी पुलिस के ऊपर केस किया है कि हम बिना हथियार गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, भी पुलिस ने हमको बुलाया और बुला के हमको इन इन पुलिस स्टेशन के अंदर भी मारझूट करके ऐसी इंजरी कर दी। तो आज भी ये सब किसान बहने हैं, भैया भाइयों हैं, बेटियां हैं, ये सब आज भी भक्कम है, और ये हमारी जो आंदोलन है गांधी जी के मार्ग पर चल रहा है आज, हमारी धरती माता को बचाने के लिए। मैं डॉक्टर साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, और अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं कि डॉक्टर कलसारिया का जो चुनाव क्षेत्र है वो भावनगर जिले में है, और भावनगर को आप लोग दो तीन वजहों से जानते होंगे। मुरारी बापू जो इस समय रामकथा कहते हैं वो वहीं पे से आते हैं, और गुजरात के प्रसिद्ध चीफ मिनिस्टर छबील दास मेहता भी आपके भावनगर से आते थे, और जो हमारे आज की तारीख में बहुत से लोगों को नाम याद होगा, हमारी एक मतलब एक समय की जबरदस्त कलाकार, देश की नंबर एक आशा पारेख जी भी भावनगर से आती हैं। मैंने ये अपने दर्शकों को जो अभी जिन्होंने जो हमारे साथ ज्वाइन किए उनके ये बताया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि गुजरात में गांधी जी का एक बड़ा प्रभाव ये देखा जाता है कि नशाबंदी वहां पे पूर्ण रूप से है। अच्छा, अभी जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो सबसे पहले सरकार ने
जो चीज पे पाबंदी हटाई वो शराब की दुकानों से हटाई, और ये कहा गया कि भाई इससे बहुत आय आती है और इसके बिना देश नहीं चल पाएगा, इसलिए शराब की दुकानों से हम पाबंदी हटा रहे हैं। और चूंकि आप गुजरात में हैं वहां तो नशाबंदी है, लेकिन जैसे मैं उत्तर प्रदेश राज्य में, लॉकडाउन होता है सैटरडे संडे को, पिछले 2-4 महीने से हर सैटरडे संडे को लॉकडाउन है। उस लॉकडाउन में सारी चीजें बंद है, केवल दवा की दुकान और दारू की दुकान, दारू की दुकान और दवा की दुकान खुली है। कहने का अर्थ समय बाहर निकले तो पुलिस वाला रोके, तो अगर आप कहिए कि मुझे शराब लेने जाना है तो वो आपको जाने देगा, आप कहिए कि मुझे आटा लेने जाना है तो 2 डंडे लगाएगा। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि क्या इस नशाबंदी का गुजरात के किसान क्या नशे से मुक्त हैं कि चोरी छिपे वहां पे भी नशा घुस गया है? देखो, गांधी जी ने आजादी के उन दिन भी बोला था कि ये आजादी जो हम चाहते थे वो नहीं, अंग्रेजों का शासन गया मगर शासन प्रणाली वही रही, इसलिए ये प्रणाली आज आगे आगे बढ़ती गई। हमारा खुद का शासन है, लोकशाही हम बोलते हैं जानते हैं, मगर ये अंग्रेजों का ही जैसा शासन है वैसा ही शासन चल रहा है, ऐसे हमको एहसास नहीं रहा कि हमारा शासन है। और इसलिए किसान लोग सारे देश में, गुजरात में ही नहीं सारे देश में किसान लोग ऐसे दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहे हैं। उसको अपनी जो भी जर्सी है उसका पूरा दाम भी नहीं मिल रहा है, उसको जब बिजली जो चाहिए तो बिजली भी पूरी नहीं मिलती है, इंडस्ट्रीज को चाहिए तो बिजली रात दिन 24 घंटे मिलती है, किसान को 8 घंटे भी पूरी बिजली नहीं मिलती है। ये जो नशाबंदी है तो गुजरात में तो नशाबंदी है, फिर भी वैसे नशाबंदी जैसा कुछ ऐसे ज्यादा वो असरकारक नहीं है, क्योंकि ये हफ्तेबाजी चलती है, जो जो सारी ब्यूरोक्रेसी और जो सारा शासन है ना वो सभी का छुपा सपोर्ट रहता है, इसलिए जिनको चाहिए उनको मिलता रहता है, और सरकार ये यहाँ वो हटा नहीं पाती है ना, नशाबंदी और नशा की छुट्टी नहीं दे पा रही है, क्योंकि पब्लिक सारी नशाबंदी के साथ है, मगर पब्लिक के दिल में जो है इसी तरीके से नशाबंदी का अमल नहीं हो रहा है। पुलिस का तंत्र है, अगर चाहे, अगर दिल से चाहे और ऑनेस्टली ऐसा काम किया जाए तो यहाँ स्वर्ग यहाँ ही आ सकता है। वैसे गांधी जी का जो मन में राम राज्य था, गांधी जी के मन दिमाग में वो राम राज्य, ऐसा एक पुलिस अफसर अच्छा यहाँ आ जाता है। देखो यहाँ हमारे यहाँ भी हसमुख पटेल नाम का एक एसपी आए थे, हसमुख भाई पटेल, तो ऑनेस्ट, आज भी डीआईजी भी थे और कहीं आज भी उसका पोस्टिंग होगा, मगर जब ऑनेस्ट ऐसा अधिकारी आ जाता है तो उसका पूरा सारा असर होता है नशाबंदी का, और लोगों का उसका फायदा भी होता है। आजकल ये महामारी में ये जो आजकल ये चल रहा है, तो आपने बोला कि जो छुट्टी मिली वो नशा का उसको पहले मिली, और गरीब किसानों को अपने रोटी और आटा खरीदने की इजाजत नहीं मिलती है, तो ये दुख की बात है, ये लोकशाही हकीकत में नहीं है। देखो अभी अभी मैंने भी पहली बार शायद सबने आए अनुभव हमारा नहीं है कि राज्यपाल जब सरकार बोलती है तो भी राज्यपाल ऐसे विधानसभा बुलाने की इजाजत नहीं देते, तीन बार वो करने के बाद भी आखिरी में वो इजाजत दी, मगर ये बड़ा लोकशाही की वैसे हत्या होती जा रही है वैसा हमको अनुभव होता है। तो इसके लिए प्रजा को जागना होगा, आगे आगे अगर हम मतदान करते हैं, हमारी सरकार हम ही इलेक्ट करके बिठाते हैं तो प्रजा के हाथ में उसका दौर है वैसे बोलते, तो जागृत होके सभी को मतदान करना होगा, और अच्छे पर्सन को, पार्टी ही नहीं मगर पर्सन को भी देखना होगा, व्यक्ति को भी देखना होगा। पार्टी देख के बहुत से लोग वो हो जाते हैं, पार्टी के वो हो जाते हैं, मगर पार्टी के साथ साथ ऐसे कैसे कैंडिडेट है
देखो मैं तो इसके बाद दो बार लड़ा इलेक्शन, दो बार इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर भी मैं जीत नहीं पाया, कोई पार्टी के बिना लड़ा। आजकल तो मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ, मगर लास्ट टाइम मैं सद्भावना के नाम पे ही लड़ा था और फिर भी लोगों ने पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। सिर्फ ऐसे 5,000 वोट का ही दबाव रहा था, 2,500 वोट अगर किसी और से आते थे तो लोगों का तो साथ मिलता है, मगर हमको और जागरूक लाना है, ऐसे घर घर पे, गांव गांव पे, गलियों गलियों में जाके अच्छे लोगों को और सच्चे लोगों को जगाना होगा। अगर ऐसा होगा तो शायद हम ऐसे हमारी जो लोकशाही, जो गांधी बापू ने जो मन में रखा था सत्य और अहिंसा का राज, जिसको राम राज बोलते हैं, वो लाने की जो बात थी, वो राम राज हम ला सकते हैं। और पब्लिक की चाह तो ये है, मगर इसके लिए पब्लिक को तैयार करनी होगी और ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, मगर संभव तो है ही, जरूर से संभव हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब इसके आगे एक चीज और पूछूंगा। राइट। पूरा देश, पूरा विश्व, सारे लोगों का कहना, भाई सब लोग कहते हैं हम लोग गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं। भाजपा भी जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ओथ लेते हैं, फिर राजघाट जाते हैं, आके बापू की फोटो को प्रणाम करते हैं, तो कहते सब लोग हैं कि हम लोग गांधी के आदर्शों पे चल रहे हैं। आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? आप क्योंकि देखिए चुनाव के प्रबंध के मामले में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। आज तो ये प्रूव किया है कि चुनाव का मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, और अगर आप किसी पार्टी से जीत के भी आ जाए तो उनके यहाँ आप अगर बीजेपी अपने में आपको कैसे भी करके मैनेज कर लेगी। तो क्या आदर्शों में दिक्कत थी आपको कि आपको नेतृत्व से दिक्कत थी? बीजेपी के जो बेसिक आदर्श है उसमें आपको कहीं दिक्कत आ रही थी कि आपको बीजेपी का जो नेतृत्व उस समय का था उससे दिक्कत थी? जो नेतृत्व उस समय का था और आज का भी है, इसके सामने बड़ी दिक्कत तो है। आदर्श के सामने तो ज्यादा नहीं, आदर्श के सामने वो, इसलिए आदर्श तो सभी का, सभी पार्टी का अच्छा अच्छा होता है। बीजेपी के जैसे अच्छे आदर्श है, कांग्रेस के भी अच्छे हैं, आम आदमी पार्टी अभी जो बनी है तो उसमें भी आदर्श तो अच्छे हैं, मगर ये आदर्श का इम्प्लीमेंटेशन जब व्यवहार में, प्रिंसिपली ठीक बात है, मगर प्रैक्टिकली जब उसका पालन करना है तो ये पार्टियां नहीं करती है। अगर प्रैक्टिकली पालन किया होता तो उसी वक्त ये पार्टी के सामने मुझे लड़ने की नौबत ही नहीं आती। ये जो बीजेपी पार्टी जिसका मैं कैंडिडेट, जिसका मैं एमएलए था, इसके सामने को मुझे लड़ने की वो ही नहीं होती सामने। मगर ये बोलने का कुछ था, अगर किसानों को बचाना है तो किसानों का जो वाटर बॉडी है, उसकी जमीन के जो खेती करने के लिए है, उसके अंदर इसको इजाजत कैसे देती, मंजूरी देती? मंजूरी नहीं मिलने वाली थी, इरिगेशन वालों ने ना बोला था, तो हाईकोर्ट में भी जाके उसी वक्त हमारे लीगल जो बातें हैं उसके मिनिस्टर अमित शाह जी के यहाँ थे गुजरात में, तो वहां से भी इजाजत ला दी हाईकोर्ट में से भी कि वाटर बॉडी ये सही है, मगर वाटर बॉडी में जो निर्मा वाला एक बड़ी फैक्ट्री बनाता है सीमेंट की, तो वाटर बॉडी का जितना हिस्सा, करीब 600 हेक्टर वो इस्तेमाल करता है, तो उसकी जमीन बाजू में ऐसे दे देता है, और जितना पानी इसमें से कम होता है तो बाजू का तालाब ज्यादा डीप बना के उसको रिप्लेस कर देता है, ऐसा कुछ एक ऑर्डर निकलवाया था जो मेरे हाथ में भी उस वक्त आया था, और बाद में इसको लेकर ही हमने सारा आंदोलन का शुरुआत की थी। तो ऐसे प्रिंसिपल के सामने, जो प्रिंसिपल बोलने के थे वो कर नहीं बता रहे थे, बोलना कुछ ऐसे ऐसे, एक पिक्चर का गीत भी मैं कई बार याद करता हूँ कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा भी होता है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, तो बताने का कुछ अलग सा और दिल में कुछ अलग सा, ऐसा मैंने अनुभव किया, और अनुभव किया फिर मैंने सोचा कि इसके सामने लड़ना ही होगा, और लड़ने के बाद भी मुझे लगा कि उसकी विचारधारा
में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी देख रहा हूँ कि किसानों के लिए अच्छी अच्छी बातें बहुत बनाते हैं, एजुकेशन की सिस्टम है उसके लिए एक बड़ा अच्छा बोला जा रहा है, मगर एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया है। हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, मगर हेल्थ एक बड़ा बिजनेस हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि हम हमारा जो हॉस्पिटल है सद्भावना का नाम का है, सद्भावना ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसकी दो हॉस्पिटल है, एक यह महुआ के नजदीक है और दूसरी जैसे कलसार गांव के नजदीक है। तो इसी तरीके से हम हमारे हॉस्पिटल में हमारी अंदर की जो लगन है इसी तरीके से काम कर रहे हैं, गरीब लोगों का काम कर रहे हैं, बहुत ही कम दाम पे काम कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो फ्री भी करने के ऐसे ट्रस्ट में सुविधा है, और बिल्कुल गवर्नमेंट की कोई हेल्प के बिना, बिना कोई ग्रांट, बिना कोई हेल्प, लोगों की मदद हमको मिलती है, डोनेशन भी मिलते हैं, और लोग जो कम चार्जेस हमारे बनाया है उनको भी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि ये जो सरकार है सत्ता फिरो सत्ता टिकाने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी कुछ बांध छोड़ करनी पड़ती है, जो कुछ करना है सच्चा झूठा सब करके अगर शासन में रहने के लिए करती है, इसलिए इसलिए हम ये आगे बीजेपी ने बहुत वो ऐसे वाया वाया वो किया, मगर मेरी लगन नहीं हुई कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। बहुत से मेरे मित्र आजकल भी बहुत मुझे चाहने वाले हैं, हमारे महुआ में भी है, जिससे 3 बार में एमएलए बना तो उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया था, उन लोगों भी बोलते कि आज भी हम तुम्हारे साथ हैं तो बीजेपी में आप क्यों नहीं आते। मैंने बोला कि प्रिंसिपली मुझे बहुत है, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, आज भी सारे देश में नहीं मिल रहा है, और मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी में से किसानों को न्याय मिलेगा, मिलता रहेगा, मगर अभी कांग्रेस का शासन नहीं है तो ये बोलने की वो अमर नहीं है, मगर मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि किसानों को कुछ ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम किसानों की लड़ चालू रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है प्रवीण कुमार। आपकी आवाज धीमी आ रही है ना थोड़ा जोर से। हाँ जी जी उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है कि क्या आज के समय कोई सत्याग्रह कर सकता है। वैसे आज अगर कोई सत्याग्रह करने की कोशिश करेगा तो उसे कूट डाला जाएगा। मैं प्रवीण जी को सिर्फ इतना बता दूं कि ये खतरा तो गांधी जी के समय भी था कि जो सत्याग्रह करने जाता था लेकिन मन उसका इतना पक्का होता था कि उसको इसकी परवाह नहीं थी कि मुझे पीटा जाएगा या नहीं पीटा जाएगा। मैं अपने मूल प्रश्न पे फिर आता हूं, और उससे पहले मैं अपने कुछ दर्शकों को ये बता दूं, क्योंकि मैं बार बार जो भावनगर की बात कर रहा हूं, भावनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है गुजरात में। भावनगर वो जगह है जहां पे गांधी भी 1 साल के लिए पढ़ने गए थे। भावनगर की इंपॉर्टेंस ये है कि जब देश आजाद हुआ तो भावनगर जो स्टेट थी, जो उस समय राजशाही थी, वो पहली स्टेट थी जिसने हिंदुस्तान को ज्वाइन किया, भारत को उसने पहली बार, सबसे पहली स्टेट भावनगर वो पहला स्टेशन था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात है, भावनगर पहला स्टेशन था जिसने बिना किसी सरकारी सहायता के प्राइवेट बेसिस पे अपना रेलवे स्टेशन बना लिया था। मैं इसके साथ डॉक्टर साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने भी बता दिया भाई कांग्रेस आएगी तो ये, आपको क्या लगता है कि अगर आज देश में पार्टियों की बात की जाए, आप आम आदमी पार्टी में भी रहे, आप कांग्रेस में भी रहे, आप बीजेपी में भी रहे, तो गांधी के कहते समय गांधी के आदर्शों के सबसे पास बिल्कुल तो कोई नहीं हो सकता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके हिसाब से गांधी के आदर्शों के आसपास है? कौन सी? अभी तो देखो, अभी ऐसा मुझे लगता है कि सभी पार्टी में, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, या तो तीसरी चौथी जो भी पार्टी है देश में है बहुत सी, इसमें से कोई भी पार्टी हो, सभी में ऐसे लोग हैं कि आज भी गांधी जी को दिल से चाहते हैं। गांधी जी जिस इरादे से, जिस पद्धति से शासन जो रामराज लाना चाहते थे
वही सुख का मार्ग है, पर इसके अलावा दूसरा सुख का मार्ग हो ही नहीं सकता, दुनिया में कभी हो नहीं सकता, और सारी दुनिया भी उसको मानती है। मगर कोई भी पार्टी आज ऐसे नहीं दिखते कि प्योरली गांधी जी के प्रिंसिपल को डाइजेस्ट करके वो करे। जब सत्ता में नहीं होती है पार्टी, तब ज्यादा वो गारंटी ज्यादा श्योरिटी के साथ वो कहती है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर सत्ता पे जब आ जाती, बीजेपी सत्ता में क्यों आई? ऐसे तो कांग्रेस, ऐसे सरदार पटेल और गांधी, महात्मा गांधी जी की पार्टी थी जो कांग्रेस के सही सहारा लेके हमको आजादी मिली थी। तो फिर भी बीजेपी को शासन क्यों दिया लोगों ने? क्योंकि उसी वक्त में लोगों को बहुत अनजस्टिस का सामना करना पड़ा, गुजरात की बात करता हूं। और बाद में लोगों को लगा कि इसमें परिवर्तन लाना चाहिए कुछ ना कुछ, तो 95 में ऐसे बीजेपी की सरकार बनी, और मैं तो पहली बार 98 में एमएलए बना। वरना मेरे अंदर से जो बचपन की वो थी, तो मेरी गांधी बापू के जरिए, क्योंकि गांधी बापू की जो सोच थी, उसके जो विचार थे, और जैसे परमात्मा उसको तो परमात्मा ईश्वर के श्रद्धा थी, उससे भी इतना प्रभावित था बचपन से कि मुझे कांग्रेस पार्टी अच्छी लग रही थी। मगर जब ऐसे कटोकटी वाला शासन आया था, उसी वक्त मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हुआ है। मगर फिर भी आगे आगे जब गुजरात की बात आई और मैं सर्जन भी हो गया, और सर्जन के जरिए यहाँ हमारा काम और लोगों की बहुत ही चाहना थी, और केशुभाई तो बीजेपी के चीप थे यहाँ पे गुजरात में, केशुभाई पटेल उसी वक्त 95 में, और इसलिए इसके बाद 98 में जब केशुभाई ने मुझे बुलाया कि आप भी लड़ लो इलेक्शन, तो मैंने बीजेपी का स्वीकार कर लिया। और मैं प्राइमरी कैंडिडेट भी नहीं था, मगर उसी वक्त कैंडिडेट बना, इसीलिए कि इनजस्टिस जो हो रहा है इसके सामने तो लड़ना ही होगा। मगर बाद में अंदर जाकर जब लगा कि बीजेपी की सरकार भी किसानों को बड़ा इंजेक्शन कर रही है, तो उसका मैं आवाज उठाता रहा, सफलता भी मिलती रही एमएलए होते हुए भी। मगर ये निर्मा वाली बात थी, वो बहुत बड़ी बात, तो इसके लिए मेरे को खुल के आना पड़ा। वरना ना छोटी मोटी बातें थी तो हम समझते हैं कि शासन है तो छोटे मोटे इनजस्टिस अन्याय होते रहते हैं, इसमें से रास्ता बनाना होता है, हमको धीरज रखनी पड़ती है, गंभीरता के साथ काम लेना पड़ता है। मगर जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, जहाँ पे किसानों की 2800 ऑलमोस्ट 3400 हेक्टर ऑफ लैंड किसानों की ये लैंड इसमें जा रही थी, लीज पे जा रही थी, और ये बड़ा ऐसे निर्मा का सीमेंट प्रोजेक्ट बन रहा था, और हमारी टेरिटरी के सब गांव थे, मेरी विधानसभा के गांव थे, तो मेरा धर्म बनता था कि मुझको कुछ भी देखे बिना, आगे का सोचे बिना लड़ना चाहिए। और इसी तरीके से मैं लड़ा, तो लोगों का साथ मिला और सफलता भी मिली। बाकी ऐसा सच है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी गांधी जी के प्रिंसिपल को ऐसे रख के काम करने वाले बहुत लोग है, बीजेपी में भी है, मगर आज ऐसे काम कर नहीं रहे, सत्ता पे है तो ऐसे प्रिंसिपल एक बाजू रखते, प्रिंसिपल की बातें बहुत करते हैं, बातें और उसके ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पब्लिसिटी होता है, मार्केटिंग होता है, ये बहुत बड़ा है। ऐसे देखो ना, महात्मा मंदिर का भी तो बहुत मार्केटिंग हुआ है, अगर महात्मा जी होते तो बोलते कि सभी गरीबों को पहले घर दे दो और बाद में यहाँ मेरा महात्मा का बिल्डिंग बनाना। अभी बहुत लोग यहाँ आज भी ऐसे ऐसे खुले जमीन पे चल रहे हैं, सोते हैं, बच्चों को भी रखते हैं, ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं और अपना अपना पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी है। तो गांधी बापू ऐसा पसंद नहीं करते, मगर गांधी बापू के नाम का उपयोग करना नरेंद्र भाई मोदी जी को ठीक लगा होगा, इसलिए बड़ा अच्छा नाम का उपयोग किया और आज भी कर रहे हैं। मगर हमको नाम नहीं, काम चाहिए, प्रिंसिपल लोगों के रियल सुखाकारी के लिए काम करना चाहिए। ऐसे काम करने वाले लोग कम है आजकल, इसी सबको इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठे करने की मेरी ताकत जितनी कुदरत ने दी है इतने में इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी
गांधी में जो एक ताकत थी, ऐसे ताकत वाले लोग ज्यादा अगर निकल आए तो आज भी गांधी जी की जो चाह थी, जो 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 चाहते थे वैसा रामराज आज भी बना सकते हैं। हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, लोगों में भी ताकत है और हमारी संस्कृति में भी, और हिंदुस्तान के जो धर्म है, अंदर का धर्म है लोगों का, जो लोग जी रहे हैं। और मैं कई बार में बताया है, आज भी वहां बोलता हूँ कि ऐसे जो रामायण बना, सीता जी का जन्म कैसे हुआ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी देवी है, कोई ऐसा भगवान है कि जो जमीन में से पैदा हुआ हो। अगर ऐसा जो कोई है, कोई नहीं, तो ऐसा क्यों? ये शायद दुनिया को समझाने के लिए, ये धरती है और सीता ये धरती की बेटी है और इसको बचाने के लिए, इसकी इज्जत बचाने के लिए, इसका उसका रक्षण करने के लिए, ऐसे तो धरती माता का रक्षण करने के लिए राम जी जो है भगवान का रूप है, उसने अपनी जिंदगी दे दी, रावण को खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे राक्षस लोग जो है, ऐसे ऐसे किसी कॉर्पोरेट है, बराबर है अपने अपनी जगह पे, मगर इसका जो काम होता है ये राक्षस के प्रकार का बड़ा बड़ा काम होता है, किसान को खत्म करता है, धरती माता को खत्म करता है, धरती माता का धंधा करता है। तो उसी वक्त भी सीता जी का जन्म हुआ, उसी वक्त जो उसका पप्पा जनक राजा थे वो हल चला रहे थे और इसमें से सीता जी का जन्म हुआ। तो आजकल ये जो धरती माता है, पूछने के लायक है, हमारी सबकी माता है, उसको धंधा का साधन नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान चाहते हैं तो जमीन बेच सकते हैं, मगर 100% लोगों ने जब ऐसा लोक सुनवाई में पब्लिक हियरिंग में बोल दिया कि हम हमारी जमीन नहीं देना चाहते माइनिंग में, फिर भी उसको मंजूरी मिल गई, तो उसका आंदोलन आज नहीं तो कल, ये किसान ये अपनी धरती माता को छोड़ने वाले नहीं। ये हमारे आजकल जो चल रहा है वे मेरे बोले बिना हमें नहीं रह पाता। मैं डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मन में है, जो पटेल, हेलो, थोड़ा सा जोर से बोले प्लीज। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न और है जो मन में बहुत दिनों से था कि सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी 3,000 करोड़ लगा के एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है गुजरात में, मेरा तीन उसमें ऑब्जर्वेशन है। पहला यह है कि ये मूर्ति लगा के आपने सरदार पटेल को गुजराती बना दिया। हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो सरदार पटेल कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम था उस समय तक, हम उनको भारतीय समझते थे और शायद वो मेरे लिए उत्तर प्रदेश में भी सरदार पटेल उतने ही थे जितना वो गुजरात में या कहीं रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर सरदार पटेल की कहीं मूर्ति लगनी चाहिए थी तो दिल्ली या कहीं और लगती बजाय गुजरात के, क्योंकि वो तो गुजरात करके आपने उसको गुजराती बना दिया। दूसरा, अगर सरदार पटेल जिंदा रहते, जितना मुझे समझ है, जितना मैंने पढ़ा है, तो इतने बड़े पैसे का वो शायद कहते कि नहीं नहीं ये 3,000 करोड़ आज देश के लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत हमारी मूर्ति के लिए। और तीसरी बात, जो किसानों की जमीन ली गई और जैसे उन लोगों से जमीन अक्वायर की गई, उनको वहां से बेदखल किया गया, वो शायद सरदार पटेल पहले आदमी होते जो उस आंदोलन का नेतृत्व करते। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जो आपने तीन बातें बताई आई फुल्ली एग्री, ये सही बात है कि सरदार पटेल गुजरात के नहीं सारे देश के है और दुनिया में भी उसका नाम है, मगर उसका देश में है, उसको कोई ऐसा बनाना चाहिए कोई जगह कि उसमें देश में उसकी प्रतिभा ज्यादा उभरे। और 3,000 करोड़ डेफिनेटली महात्मा गांधी के साथ जुड़ने के बाद सरदार भी ऐसे इतना सिंपली उसका लाइफ था कि कभी इतना खर्चा है ऐसा शो बनाने के लिए या सत्ता के लिए या तो दुनिया को दिखाया कि करने के लिए नहीं। सभी अगर गरीबी, हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाए इसके बाद अगर ये करना है तो करो, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए देश में, तब तो ऐसा स्टेचू बनाना है तो बनाओ। आज तो हमें गरीबी में हो रहे। और तीसरी भी बात कि वहां के किसान तो आज भी लड़ रहे हैं ना, वैसे उसकी जमीन जा रही है, उसकी जीवनदोरी जा रही है, तो बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय हुआ है। मगर ऐसे मैं मेरे ओर से जितना हो सके इतना हमारे किसानों के लिए यहाँ ऐसी कोशिश कर रहा हूँ
मगर सारे गुजरात में, सारे देश में किसानों को जो अन्याय हो रहा है इसके लिए तो इस शासन का परिवर्तन जब भी होगा तब किसानों को न्याय मिलेगा, ऐसी आशा में बनाए रखा हूँ कि मैं आशा के साथ वर्क कर रहा हूँ अभी। चलते चलते डॉक्टर साहब अंतिम प्रश्न आपसे, और पॉलिटिक्स और गांधी जी के आदर्शों से अलग हटके जो आपका मूल प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, अभी कोरोना के इतने लंबे केस हो गए हैं, करीब हिंदुस्तान 16 लाख संक्रमित हो चुके हैं, कैसे इसको आपको क्या लगता है आने वाले समय में कोरोना का क्या रूप होगा, कैसे रोकेंगे हिंदुस्तान में हम लोग, तैयार है कि नहीं तैयार है, कोरोना के बारे में थोड़ी बात कर लीजिए। देखो कोरोना कोरोना एक ऐसा वायरस है कि जिसके लिए कोई एंटीडोट, कोई वैक्सीन इतना इतना कोशिश करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाए आज तक। तो इसमें जो काम करती है वो हमारी इम्यूनिटी है, सभी लोगों को कोरोना हड़प में नहीं लेता है। तो गांधी बापू पूरे श्रीमद् भगवद गीता के वो करने वाले थे, आपको मालूम है परमात्मा पे बहुत श्रद्धा रखते थे। तो ये जो श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ निर्भयता आवश्यक है, निर्भयता। तो आजकल मुझको जो सबसे ज्यादा वो डॉक्टर हूँ, एक हमारा दो हॉस्पिटल चल रहा है, तो सबसे ज्यादा वो खटका लगता है वो है कि लोग ज्यादा भयभीत हो गए, बहुत भयभीत। अगर भय भय है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, जितना झटका भय से लगता है इम्यूनिटी को उतना कोई दूसरी वो नहीं झटका लगा सकता। देखो जैसे हार्ट है, आपको मालूम होगा, सभी को मालूम है कि हार्ट का जो उमड़ा होता है, हार्ट अटैक जो बोलते हैं, तो ये जब भयभीत होते हैं तब ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आदमी को कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है तो उसको निर्भय बना देते, देखो चिंता मत करो, जो भी टेस्ट होगा होगा, अब चिंता छोड़ दो, तो आज ही बीमारी चली जाती है, उसका हार्ट भी अच्छा होने लगता है। तो कोरोना का वायरस भी ऐसे लोगों को ही वो करता है पहले, कि जो भयभीत होते हैं उनको पहले पकड़ता है। वायरस है ना, देखो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी वो करता हूँ, वायरस है वो हमारे विचारों, जो हमारी फीलिंग्स होती है इससे थोड़ी बड़ी हस्ती है, मगर बैक्टीरिया और बाकी की भौतिक चीजें उससे बहुत छोटी सी वो है। तो अगर हमारे विचारों में ताकत होती है, हमारी फीलिंग्स, जो हमारी अंदर की विल पावर की, तो ये बहुत अच्छा काम करती है, और इसके लिए फाइट करने में हमारी ताकत बनी रहती है। तो सभी लोगों को ये बोलना चाहिए कि जो भी केयर लेना चाहिए, जो मास्क पहनना है तो मास्क पहनना ही चाहिए, घर पे आके बाहर जाके डिस्टेंस वाली जो बात है, सोशल डिस्टेंस वो भी मेंटेन करना चाहिए, बहुत भीड़ भाड़ वाले में नहीं जाना चाहिए, बड़े बड़े सिटी में बड़े तो नहीं जाना चाहिए, ये सब करने का, जो भी उसका पालन करने का, मगर भय से नहीं, समझदारी के साथ। जो गांधी जी ने आजादी हमको दिलाई तभी भी बार बार बोला था कि पहले आप निर्भय बनो, अगर अहिंसा और सत्य का शस्त्र चलाना है तो निर्भय बनना होता है। तो इसी तरीके से अगर कोरोना के सामने लड़ना है तो निर्भय बनाने का पाठ सिखाना होगा। आजकल हमारा पुलिस का तंत्र सभी को ज्यादा भयभीत बनाते है, किसी को मार छुट्टी करती है, किसी को पनिशमेंट देनी होता है, फिर भी तो भय वाला वातावरण छोड़ देना चाहिए, फ्रेंडली एटीट्यूड। पुलिस तंत्र को मेरी रिक्वेस्ट है इसके जरिए ही, फ्रेंडली एटीट्यूड, पब्लिक के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, जो भी है उसका पालन करवाना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, मगर डरा के और धमका के और मारझूट करके हम उसको वो करेंगे तो कोरोना हटने में ज्यादा देर होगी, कोरोना तो हटेगा ही, ऐसे हटने वाला ही है। मगर इसी तरीके से नहीं, जब हमारे दिल और दिमाग से कोरोना जाएगा तब उसकी हस्ती बाहर से जाएगी। डॉक्टर हूँ फिर भी मैं समझदारी के साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि वायरस ऐसी हस्ती है कि इसके लिए इसे जल्दी इससे इसमें वो करना बहुत कठिन है, और हर्ड इम्यूनिटी जब आएगी, जब
मैं नहीं जानता कि मेरे में ये वायरस आ गया होगा या नहीं आया होगा। अभी तो छोटे छोटे शहरों में भी है और हम तो यहाँ रोज हमारे दोनों हॉस्पिटल में करीब करीब 400-500 मरीज आते हैं, स्टोन के आते हैं, दूसरे बीमारी के ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो उसके साथ भी एक एक तो होता है मिनिमम, तो करीब से 1000-1500 का मेला यहाँ लगता है रोज रोज दोनों हॉस्पिटल में। और इसके बीच हमको काम करना पड़ता है, मास्क लगाते हैं, जो जितनी केयर ले सकते हैं लेनी चाहिए वो सब लेते हैं, फिर भी हम लोगों के बीच काम करते हैं। इसमें कोई बीमार भी आ जाता है, कोई कफ वाला भी आ जाता है, मालूम नहीं कोरोना वाला हो सकता है, तो उसको समझा के भेजते भी है, तो फिर भी बचाने वाला तो भगवान है। तो ये निर्भय होकर हमारी सारी टीम काम करती है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे दो सर्जन, हमारे कुल मिला के 5 या 6 गायनेकोलॉजिस्ट और 25 और 30 डॉक्टर काम करते हैं, और सारा स्टाफ दोनों हॉस्पिटल में 100-100 का स्टाफ है, तो सब निर्भय होकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमको सभी का आशीर्वाद मिलता है। तो सभी दुनिया को, वैसे देश को, देश की पब्लिक को निर्भय बनाना है, और साथ ही प्यार से उसको केयर लेने की बात भी करना है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी है, सूट का प्रयोग है, सूट अगर अगर नासुना और सूट का प्रयोग करे, उसके दांत दर्द भी करे तो भी उससे फायदा होता है। थोड़ी सी 10 या 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को अगर विपश्यना का ध्यान कर ले तो भी उससे अंदर की ताकत बढ़ती है और भय निर्मूल होता है। तो ऐसी एक बात मैं आपके जरिए सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बात हम लोगों को टाइम देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत बहुत हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आपका मजदूर आंदोलन पूरी तरह से सफल हो, और साथ में जो कोरोना है वो तो हम सब लोग मिलके इसको भगा ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा दिलगिर हूँ कि हमारे ये कम्युनिकेशन की यहाँ की डिफेक्ट के लिए मैं बराबर सा जो आपको सुनने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत राजी हुआ हूँ मैं।